हेलो एंड वेलकम टू मूवी डेयरी। मैं हूं सुखेंदु। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में और बात करेंगे कुछ टीजर रिएक्शन या फिर ट्रेलर रिएक्शन और एक सॉन्ग रिएक्शन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और कॉमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले पहला जो अपडेट है वो है रामायणा से। जी हाँ, नितेश तिवारी की अपकमिंग मूवी रामायणा से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पहले जो है खबर ये आ रहा था कि ये जो फिल्म है रामायणा, इसको तीन पार्ट में लाया जाएगा, लेकिन लेटेस्ट खबर ये है कि इसको तीन पार्ट में नहीं, दो पार्ट में लाया जाएगा। जी हाँ, और ये जो दो पार्ट का शूटिंग है ये साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। यानी कि जब पार्ट वन रिलीज होगा तब ऐसा होगा कि पार्ट टू का भी एक मेजर पोर्शन शूट हो गया होगा। जी हाँ, पार्ट वन और पार्ट टू के रिलीज़ के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 350 दिन का एक शूटिंग स्केड्यूल चॉकआउट किया गया है। ये पूरा एकदम लगातार शूटिंग होगा और एक ही साथ शूटिंग चलेगा। और टोटलिटी में फिल्म का जो शूटिंग है वो 2025 के दिसंबर में रैप कर दिया जाएगा। मतलब कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर बिग बजट फिल्म हो तो पहले जो फर्स्ट पार्ट आता है उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है फर्स्ट पार्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर कि पार्ट टू बनेगा या फिर नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ जो है मेकर्स की तरफ से कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, पार्ट वन के साथ पार्ट टू का भी शूटिंग एक साथ ही होगा। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगला जो अपडेट है वो अपडेट है बॉबी देओल की। वैसे आपको बता दूँ, ये अपडेट पहले भी हमारे चैनल पर आया था कि बॉबी देओल जो है वो अनुराग काश्यप के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं, वो भी लीड रोल पर। ये एक थ्रिलर मूवी है। अब लेटेस्ट खबर ये है कि इस फिल्म के अंदर फीमेल कास्टिंग ऐड किया गया है। हम सनिया मल्होत्रा को देख पाएंगे इस फिल्म के अंदर और सबा आज़ाद को देख पाएंगे इस फिल्म के अंदर। इसके साथ मलयालम एक्टर जोजू जॉर्ज को भी इस फिल्म के अंदर हम देख पाएंगे। वैसे आपको बता दूँ, सनिया मल्होत्रा ने इससे पहले भी बॉबी देओल के साथ काम किया है एक फिल्म के साथ, फिल्म के अंदर। फिल्म का नाम है लव हॉस्टल। अगर अपने आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल जो है एनिमल मूवी के ज़रिए एक अच्छा खासा नेगेटिव रोल करते हुए सामने आया है, ऐसा नहीं। अगर आपने लव हॉस्टल देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि बॉबी देओल ने लव हॉस्टल फिल्म के अंदर जिस तरीके का नेगेटिव किरदार उन्होंने निभाया था ऐसा शायद उन्होंने एनिमल के अंदर भी नहीं किया होगा। और इस फिल्म का जो शूटिंग है ये 14th मई से स्टार्ट कर दिया गया है मुंबई के अंदर। अगला अपडेट है इंडियन 2 से। जी हाँ, इंडियन 2 का रिलीज डेट फाइनली फिक्स्ड कर दिया गया है। पोस्टपोन होने के बाद इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा July 12th को। ये न्यूज़ जो है कल ही आ गया था। वैसे आपको बता दूँ, ये जो मई और जून महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर एक बहुत ही सूखा महीना है, कोई भी मेजर फिल्म रिलीज नहीं हो रही है इस दो महीने के अंदर। लेकिन जैसे ही जुलाई महीना एंटर होगा, आपको बता दूँ 5th जुलाई को जो है तीन मूवी क्लैश कर रही है। एक है अजय देवगन की औरों में कहां दम था, उसके साथ जाह्नवी कपूर की उलझ और करण जौहर की कभी ना देखा गया एक्शन थ्रिलर मूवी किल। और July 12th को क्रैश कर रही है सरफिरा, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है, सुरा राय पोट्रू की रिमेक सरफिरा, उसके साथ जॉन अब्राहम की वेदा और उसके साथ इंडियन 2। बस ये नहीं होना चाहिए था। अगला अपडेट है NTR 31 से। अपडेट ये है कि इस फिल्म का जो शूटिंग है अगस्त से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगला अपडेट है टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म को लेकर। वैसे हमने कुछ दिन, दो दिन तीन दिन पहले ही अपडेट दिया था कि टाइगर श्रॉफ के पास अभी कोई भी फिल्म नहीं है, लेकिन खबर यह है कि वो अभी बातचीत कर रहे हैं करण जौहर के साथ एक फिल्म के लिए। ये रियूनाइट होने वाला है करण जौहर और टाइगर श्रॉफ का। अभी इस फिल्म के साथ रिलेटेड ज़्यादा कुछ अपडेट सामने नहीं आया है, बस बातचीत चल रहा है। देखते हैं आगे चल के कॉन्क्रीट क्या होता है। अब बात करेंगे देवरा की फर्स्ट सॉन्ग के रिएक्शंस के बारे में। देवरा का जो फर्स्ट सॉन्ग है ये कल ही रिलीज कर दिया गया था, उसको गाया है रविचंद्र खुद। और वैसे आपको बता दूँ, बाकी सब लैंग्वेजेस में ये उतना अच्छा नहीं लगता है, तमिल में फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल इस गाने से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। मतलब कि अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इससे पहले जब उसका जेलर मूवी का वो हुकुम वाला गाना आया था, बहुत अच्छा एक गाना था। हाँ, जवान के अंदर उन्होंने ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन गाना जो है वो फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक मैच हो गया था, ब्लेंड हो गया था। लेकिन अभी ये वाला जो गाना है इसके अंदर पावर है, मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन में पावर तो है, जोश भी दिख रहा है, जो विजुअल्स क्रिएट किया गया है VFX के साथ देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं
इस गाने को बस गाने के हिसाब से सुनूं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, जैसा कि हुकुम के साथ ऐसा नहीं होता है। हुकुम गाना जो था वो मैं जब भी जोश की ज़रूरत पड़ता है, जब आप जिम करते हो या फिर ऐसा कोई काम जिससे आपको हड़बड़ी है, तब अगर आप वो वाला गाना सुनोगे तो आपको एक जोश महसूस होगा। लेकिन इस वाले गाने के अंदर वो म्यूज़िक प्रोडक्शन में जोश है, लेकिन गाने की मेलोडी में वो जोश बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। वैसे आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अब बात करेंगे गुल्लक की सीजन 4 का जो टीज़र है या फिर ट्रेलर है उसके बारे में। ये एक सरप्राइज़ था, बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। जी हाँ, TVF की तरफ से पंचायत रिलीज़ किया जाएगा मे के एंड में, उसके ठीक 7 दिन बाद ही रिलीज़ किया जाएगा गुल्लक 4 सोनी लिव के अंदर। वैसे सोनी लिव का गुल्लक और अमेजॉन प्राइम का पंचायत, इन दोनों का लेवल सेम है, मतलब ये दोनों सेम लेवल का सुपरहिट शो है और दोनों का क्रेज़ भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गुल्लक शो। मैंने इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, इस चैनल के अंदर है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए कि क्यों आपको गुल्लक देखना चाहिए, गुल्लक में ऐसा क्या है। बहुत ही अच्छा एक ट्रेलर है। अब जो दिख रहा है वो ये है कि अमन जो है धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, उसका दाढ़ी निकल रहा है, अब जो है वो लड़कियों के साथ मिलजुल रहा है, तो कैसे उसकी ज़िंदगी चेंज होगी। मतलब कि एक लड़का जो एडल्टहुड की ओर बढ़ रहा है, साथ के साथ साथ ही साथ उसका पेरेंटिंग, ये जो वक्त होता है, ये जो उम्र होता है, ये बहुत वाइटल उम्र होता है। साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि अन्नू भी अब कमाने लग रहा है और अन्नू के साथ, मतलब अन्नू के ज़िंदगी में भी शायद कोई लड़की आएगी, इसी को लेकर अब कहानी आगे बढ़ेगी। अब जिन्होंने गुल्लक देखा है उनको पता है कि सिर्फ जो ट्रेलर में दिखाया जाता है वो कहानी से ही सब कुछ नहीं होता है, अलग अलग एपिसोड में अलग अलग मुद्दा, अलग अलग इशू दिखाया जाता है। ये एक ऐसा शो है जो कि आप बहुत रिलेट कर पाएंगे, ये जो ट्रेलर है इसको भी आप बहुत रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेलर को अगर आपने देखेंगे, अगर आप पिछले सीजन्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ घटना इनमें से कुछ ना कुछ किस्से आपके ज़िंदगी में भी हुआ है, आप इससे इसलिए रिलेट कर पाते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को लेकर। वैसे आउट ऑफ द ब्लू अचानक से ये ट्रेलर ड्रॉप किया गया है। आई थिंक सोनी लिव को अमेजॉन प्राइम की तरह ही एक स्ट्रैटेजी लेना चाहिए था, उतना एग्जिजरेट करके नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा एंटिसिपेशन क्रिएट करना चाहिए था कि फिर जो है इसका ये जो ट्रेलर है इसको ड्रॉप करना चाहिए था। तो आज की वीडियो इतना तक, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, जय सिनेमा।